दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया से होंगे। मैं अभी अपने फार्म पे हूँ और आज हमारी जो बछड़ी बच्चा देने वाली है ना, उसका पल पल में उसका धनों का पार्ट जो है वो कुछ नीच होते रह रहा है, बढ़ोतरी कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल रहा है, यानी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट उसके देखने के लिए मिल रहा है, जो काफ़ी शानदार लग रही है बछड़ी। हम लोग ऐसा उम्मीद भी नहीं किए थे कि इस बछड़ी का इस तरह का थन होगा और आने वाला फ्यूचर तो बताएगा ही कि कितना दूध निकाल सकती है। क्योंकि दोस्तों, जब से हमने ट्रांजिशन फीड यूज़ किया, काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने के लिए अब तक मिला है। लेकिन जब ये बच्चा दे देती है और बच्चा देने के बाद इसका क्या परफॉर्मेंस होता है, आगे की बात आगे होगी। तो आज हम उस बछड़ी को भी दिखाते चलेंगे। कुछ लोग तो उस बछड़ी को देख चुके होंगे, लेकिन जब आपने सुबह का वीडियो देखा होगा तो उस वक्त थन का बनावट कुछ अलग दिखा होगा। लेकिन मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वक्त का थन कुछ अलग दिखने के मिलेगा। उस बछड़ी को दिखाने के साथ साथ में एक हमारी और एक चार माह की बछड़ी है, उस पर भी हम लोग आज गौर करेंगे और पूरे फार्म के अंदर की जानकारी आज इस वीडियो में दी जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। इस भैंस को आप देख रहे हैं तो ये हमारी बड़ी सिंह के नाम से इस भैंस का हमने नाम रखा है। और ये भैंस कल हीट में थी, हमने AI इस बार नहीं किया, छोड़ दिया, इस वजह से कि हम लोग इसका हीट कन्फर्म नहीं था कि ये कब से हीट में आई है। मैंने जब डिस्चार्ज देखा तो मैंने कन्फर्म किया ये हीट में है, फिर रात में चेक भी किया। उस वक्त थोड़ा सा मेरे पास नॉर्मल भैंस का सेमेन था, इसलिए AI नहीं किया गया। हमारा सेमेन जो है पहले ही आ चुका था, जैसे हमारा जो पहले डॉक्टर साहब डालते थे तो उनके पास सेमेन था, इसकी वजह से रात में इसका हम लोग AI इस बार नहीं किए। दूसरी जो हमारी फोतर गाय है, ये भी पिछला 24 को हीट में आई थी और फिर इस बार भी हीट में, ये आज हीट में है, यानी कल शाम से ये हीट में थी। सुबह तक तो हक करते हुए मैंने देखा है और हो सकता है कि अभी भी ये हीट में होगी, तो इसको हम लोग अभी AI नहीं करेंगे। तो हम लोग जो बछड़ी की बात कर रहे हैं, तो ये बछड़ी ने अगर सुबह में वीडियो देखा होगा तो इसका पीछे का जो थन फेंक रहा है ये आपने नहीं देखा होगा, सिर्फ सीडोल देखा होगा कि ये थोड़ा सा हल्का पानी यहाँ पे देखा होगा और ये पूरा चिकना बराबर था, जैसा लग रहा था कि प्लास्टर किया हुआ है, इधर ये पूरा चिकना था। लेकिन ये अभी फेंका तो इसका मतलब कि ये बढ़ा, तो इधर वाला भी एक साइड वो बढ़ जाएगा। अभी बैठी उठी होगी तो ये थोड़ा सा हो गया, फिर ये भी हो जाएगा। अभी भी लूसपन इधर से ज़्यादा होगा, इधर से कम है, तो ये पूरा अभी पीछे की ओर भी आ रहा है, तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। और इधर साइड से हम लोग देख लेते हैं, तो साइड से ये वाला थन जो दिख रहा है यहाँ तक ऊपर से देखिए तो यहाँ तक चढ़ा है, और इधर अगर साइड से देखते हैं तो यहाँ तक गया है। तो ये जो हो सकता है कि अगर जितना लेट करेगी, समय लेगी, तो हो सकता है कि ये पूरा भरा जाएगा। तो ये इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, पल पल का न्यूज़ जो मिल रहा है, तो ये इम्प्रूवमेंट थनों के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। और बाकी जो हम ब्याद का अगर टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा डिस्चार्ज, आपको ज्वाइन के अंदर सूजन मिल गया होगा, इससे अंदाज़ा लग सकता है कि ये बहुत कम समय में ये बच्चा देने वाली है, यानी इसका अंदाज़ा यही लग सकता है 1 वीक के अंदर में ये बच्चा दे सकती है। और पुठा जो हम लोग बात करते हैं, तो पुठा यहाँ पर होता है और पुठा ये देख सकते हैं कि ये कुछ इतना धंसा हुआ है, ऐसे इसका मेल से 1 इंच अंदर धंसा हुआ है, जो कि ये और धंसा होना चाहिए। ये जब ब्याती है तो उस वक्त हम अगर चाहें तो दिखा सकते हैं आपको, तो ये देखिएगा कि ये और धंसा रहेगा 1 इंच या थोड़ा सा और अंदर धंसेगा, जब ये पूरा ये धंसा गड्ढा टाइप के लगता है, तो इससे समझ में आ जाता है कि गाय भैंस जो है बच्चा दे देगी। तो ये 4 दिन 1 हफ्ता समय जो भी लेगी उससे हम लोग को काफ़ी बढ़िया होगा। अब इसका पीछे वाला साइज आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा चौड़ा ज़्यादा हो गया, पिछला वीडियो अगर 2 दिन का कल का देखिएगा तो ये थोड़ा सा सटा हुआ था गैप, अब लेकिन जब ये थन निकला है तो ये देखें कि पैर इसका हट गया, इतना गैपिंग हो गया, तो ये इम्प्रूवमेंट है। ये सब कमाल अभी ट्रांजिशन फीड का ही है। और इसकी बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा जब बच्चा देने वाली होती है ना तो 1 हफ्ता से सुस्त हो जाती है, इसलिए कि जब इसके पेट के अंदर बच्चा जब रहता है ना तो थोड़ा सा तंग करने लगता है, वज़न भी ज़्यादा होता है और थोड़ा सा वो प्रेशर जब हिलता उलता है ना तो इसकी माँ को तकलीफ़ होता है, दर्द ऐसा महसूस होगा। तो क्या हो रहा है कि सुबह में हम लोग दाना दिए थे तो थोड़ा सा सुस्त होकर खाई, लेट से खाई लेकिन सुस्त होकर खाई, पेट में खा गई, थोड़ा सा हल्का फुल्का ये 250 ग्राम भर बच गया होगा, लेकिन 2 kg में हम लोग 250 ग्राम इसका छोड़ दिए थे, जो हमारी एक शीतल है उसको हम लोग दे दिए। 4 मंथ की बछड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये देखें जी,
ये 4 महीने की प्रेग्नेंट होगी। और ये सुजीत भाई की वाली गाय आपने अगर नहीं देखा है तो पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं। पिछले साल जो हमारी गाय आई थी, माई न्यू काउ करके होगा हमारा वीडियो, और उसमें इसका माँ को देख सकते हैं। और इसका थन भी बनावट काफ़ी शानदार है। 4 महीने के अंदर किसकी बछड़ी जो किसान भाई रखते हैं इस तरह का देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी मैं आज सुबह में नन्हू खान के फार्म पे गया था, उनका भी 3 महीना हो गया। 3 महीने वाली हमारी जो प्रेग्नेंट है बछड़ी, उसका भी थन देखिएगा तो ढीला देखने के लिए मिलता है, लेकिन मैंने गया तो अभी उसका सटा ही हुआ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है थन से कि गाभिन है कि नहीं है, लेकिन है 3 महीना के गाभिन। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये आपका मैनेजमेंट पे है, खान पान पे है। अगर खान पान बढ़िया रखिएगा तो इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। 4 महीने में जब इतना है तो आने वाला दिन इसका बताएगा कि कितना होगा। ये सब गैप जो है, ये सब जो चून है अभी से ढील रहा है, तो इसका आने वाला दिन बहुत कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब चीज़ जो है ना, ये सब आप ब्रीड पर काम करेंगे, बढ़िया खाना वाना खिलाएंगे, मैनेजमेंट बढ़िया करेंगे, तो ये सब चीज़ देखने के लिए आपको मिलेगा। तो यही चीज़ सुधारने के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, ताकि आप लोग भी समझें और अपने अंदर सुधार लाएँ। और बाकी इधर फार्म की बात कर लिया जाए तो काफ़ी बढ़िया है, ये भी हमारी बछड़ी जो है प्रेग्नेंट हो गई। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक से जरूर कर दें। थैंक यू।